नमस्कार, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। राष्ट्रीय सूचना संस्थान यानी नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के विशेष मदद से प्रोग्राम सच्चाई में एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको सरकारी खबरें मतलब सरकार की ओर से जो भी समाचार जो भी जानकारी होती है वो हम प्रोग्राम सच्चाई में आपके सामने लेकर आते हैं आपके घरों में। आज एक बार फिर आपके सामने हम है और जिस तरह आप देख रहे हैं तो हम वो दफ्तर में है जिस दफ्तर में हमारा जो असेंबली लिट है श्री अमजद अब्दुल जी उनके दफ्तर में हम है और हम उनसे बात करने जा रहे हैं रई एंड फूर तयख ब्लास्टिंग के बारे में। सरकार ने इसके बारे में समाचारों में लाए हैं कि यूनिवारी की पहली तारीख आने वाले साल सन 2019 से ये नया कानून हो जाएगा कि रई एंड फूर तयख ब्लास्टिंग भरना पड़ेगा और कैसे ये सब कुछ है किसको कितना भरना पड़ेगा इत्यादि इत्यादि इसके बारे में हम अमजद अब्दुल जी से बात करने जा रहे हैं। सो आप ध्यान दें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें आज की सच्चाई में। मैंने राहिब काली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए बातों और रे एम फुरतो खबैत रे एम फुरतो ब्लास्टिंग के बारे में हमसे बतिया मांगे जो ने हम जनता के इतलाह कर सके हो कि रे एन फुरतो ब्लास्टिंग कौन सी है। रे एन फुरतो ब्लास्टिंग एगो इनकम से फरहोखंद मातरी खलबा ऊफर हैद के आप जानो हैं कि ऊफर हैद अपन बलैद चार मातरी खल में फर दिया करी से और वो चार मातरीखल अस्टाबिलिसाची एंड हैशटैल प्लान में भी बा उ चारों मातरीखल बा इनकम से फरहोखंद मातरीखल ऐसन ऐसन मातरीखल जहाँ से ऊफर हैद अफर खेरिंग तनी से पैसा मांगे कमाए प्रोडक्ट स्टिम्युलेरंद मातरीखल उमन ऐसन ऐसन मातरीखल बा जहाँ रखेरिंग प्रोबेरी करे प्रोडक्ट सी फरहोख करे के uitgaven beperkende maatregel, jahan regering apan uitgaven beperk kare, kamti kare, aur sociaal beschermende maatregel, jahan regering aisan maatregel treffen kare, ki joan garib janta ba, usab ke sab beschermen kare, ki usab ke negatieve gevolgen utna na treffen kare, jaise chahi ke. Hum aap se bol sakela ki re en voertuigen belasting ego inkom se verhogende maatregel ba. I maatregel wa, president Boutersche, 2017 में अपन यार रीड में आनकौंदख कर चुका लहा और इमात्री खलवा मिनिस्टर फन फिनांस गिलमोर हुफ्दराद अपन बखरोटिंग में 2017 के बखरोटिंग में भी अपनी करीस जो इन मदर्स खुद कर भी होई गए आउटफूर भी होई गए और 2018 के बखरोटिंग में भी अपनी करी जो भी खुद कर होई गए और ई मोमेंट में आउटफूरिंग पे बा ई मात्री खलवा कौन सी बा रे एन फूर तो बलास्टिंग एगो बलास्टिंग बा जोन उस सब अदमियन के चाहिए के भरे के जिकर पास एगो रेई तोयग बा ऑफ एगो फूर तोयग बा एगो रेई तोयग ऑफ एगो फूर तोयग कौन ची बा एगो रेई तोयग बा जब आपके पास एगो गाड़ी बा एगो पर्सनल ऑटो बा आपके पास एगो बस बा आपके पास एगो ट्रक बा आपके पास ट्रैक्टर बा ऑफ की तो एगो मोटर फिट्स बा तो ई सब चीजन पे जब आपके पास बा तो आपके बरिस में एगो बपाल बद्रख परी भरे के लांती के और उ बद्रख हुआ फारियर हुए। अब जैसे कि आपके पास एगो फूर तो एगो पशोन ऑटो बा तो पशोन ऑटो फशेलन द सेरी में आवे कोनो के एगो छोटा वाल बा कोनो के एगो बड़का वाल बा अफहंकलक की कौन सेरी में आपके फूर तो आपके गाड़ी गिरे आपके परी ओपर ब्लास्टिंग भरे। अगर आपके पास एगो फूर तो बा जोन पी एन का तो खोरी के बा और आपके पास अपन नंबर बवैस बा ऊपर आप चेक कर सको कि कौन सेरी में आप गिरे फशेकरिंग बवैस पे भी बा आप ठीक बोले हो तो आप देख सके कि आपके कितना चाहिए के भरे। जोन आदमी के पास एगो ब्रोम बा जोन 5 तक सी सी से कमती मोटर बा ओके ना हो बा भरे
John admike ego bromba jun 15 kilometer snelheid se kam ti chale per ur oke bhi na ho pa bhare ke ministeri se fan finance se jab hum log ye baat wa bahand kare tri to hum log batayili ki u duino kategorien ke hum log ke chahiye ke free styling deve ke omdat se u duino kategorien misal garib janta ke paas rahe student rahe jo ne go brom li ke jahe apan school to us sab ke na ho free ta bhare ke uchi jivan pe mar ego p in kategori us sab se chota seri ke otoba oke pari per jaar ek baris mein 75 srd khali bhare ke regering mangat ra natuurlijk 261 srd hum log boli na assembly boli na hum log phir gayli underhandle kare ki tak chota auto u chalave jekar amdani kamti rahe jane to jon utna na kama hai ta hum log reducer ke liye 75 srd per jaar ek mahina mein 65 tak na poral ba Ik neem de makkelijkste vorm om te berekenen. Kan je ze berekenen? Verhoging van berekenen kan je. En iets wat we kijken, terug kijk had bij bedragen bepaald kan je dat. Ego terugkijken die bedragen voor jaar hoe van 460 SRD voor een fee 1 tot een even check hoor, voor die V6 is 1907 SRD. Voor die V6, dat zijn de grote trucks. Ja. En op, afhankelijk van je laadvermogen, afhankelijk van hoe vaak je rijdt en dergelijke, kan je je kosten terugverdienen en eventueel je kosten ja, doorberekenen in de prijs als je dat wil. Maar de verhoging zal niet als zodanig zijn hoe men het laat overkomen. Natuurlijk gaat iedereen de kosten doorberekenen in de prijs. Laten we even eerlijk zijn. Hamlo ke chek sach re ke ja hum ke go bus rat hum bo dorfer bereken karti hum ke go truck rat hum bo dorfer bereken karti hum ke go tractor rat hum bo dorfer bereken karti tractor ke ego admi jon ke pas ego tractor ba okay ek baris mein chahi ke bhare ke 200 rupya to baris bhar khat okar matlab ek mahina pe okar khat aave hega als je kijkt dan is dat gewoon 200 gedeeld door 12 en dat is 16 SRD. Als je een ketier echt gebruik kreeg op tractor, hoe 16 SRD ik mahinwa wel terug kan halen. Toch uiteindelijk op een belasting wat bereik had. Door middel van zijn prijs en dergelijke, noem maar op. Maar het is wel terug te verdienen. Dus dat is één. En het heeft niet veel consequenties op de prijzen, op de ontwikkeling van de prijzen. Prijs heb je eens zodanig naar Tjahri, John ze bolle ki ikker prijs Tjahri, otna Tjahri, otna Tjahri. Admilong opblazen kere iets joa. Toch? Dus hoe heel belangrijk ba ki janta ke Tjahri ke u deelwa mooi se samjhe. Dus daarom is het nu geen doelbelasting, maar een houderschapsbelasting. Omdat we een piece flexibiliteit hebben, die kan je regering op een pijswa gebruiken. Dus dat wil ik even aankaarten, hoe op hem ze pushen van ons mee, die kan je ze. Vanaf 2015, heb je ze gezien, en hoe geheim naar ze kunnen gaan, die deze wel een crisis mee ba. 2015 में देशों में को इन्फ्लेशन रहा बूफ़ द 50% बेना 56% 2017 में बूफ़ द 25% तो 2016 में बूफ़ द 25% 2017 में उज़न जाने उसका हम लोग बोले डबल डिजिट दस टू साइफर का इन्फ्लेशन 50.0 25.0 एंड 2018 में 7.0 नंबर अप In alle geval, de cumulatieve inflatie, ook er met zo'n prijsstijging raar 15, 16 of 17, met je app milaito, sub, optel karier, de 18 over is inflatie 85% raar. Ook er met zo'n sauda panik ik harcha ba, prijs ba, u 18 over is 85% se chaharal. Maar, regering tegelijkertijd besluit ik er is, ki jetna lantike kam karten ba, jeje kam kare lantike, u sub kego verhoging de weke. Leerkracht ke go verhoging milen 113% ke. Ada ke leerkrachten ke verhoging milen bijna 100% ke. Se yalo ke adamien ke jitna ba isay usab ke go verhoging mili 25% ke aur usab ke bhi verhoging wa uiteindelijk boven de 100% aai ke rahi. Okar matlab ba regering u deel wa ke jon lanti ka kaam kare aur bedrijfsleven tahammud aai chukal acha. Oke tahammud aave. Met een verhoging van boven de 100%. Prijs ze hier 85% ze. Door salaris te heren 100% se. Ook er met lebba, regering falakwa ke chahe jai se, lanti ke kam karten ke chahe jai se, tachamut aal. Toh, maar, u paiso abhi kahun se chahi ke aawek.
जिन्हें वो अदमियन के भी भर पाए मत खलेकर ते एक वन प्रॉब्लम उनमें भी कुछ कुछ खर्चा कर सके दोस इन दत का आदर मुट में दी समात रीखल ओक प्लाट्स एंड दत इस ओक हेल बलांगरेक दत में दत ओक बखरेत दोस तू देखिए जब तू मोई से देखिए हम लोग जाने ला कि इसे इत बहुत मूवी लगता है इत बा मार खेरिंग वो कॉन्स्टेंट मैं तो वही ना खबर लो चाहे जितना कम थी पैसा रहा प्रोबेरी करी तब वो जनता के आंखों में देर करे के तखमुद आवे के एंड दैट इज वेल इट्स दैट वो वार्मी वरी किंग मुतो हाउ दैट हिल बलांग रहे इस राष्ट्रीय सूचना संस्थान के विशेष मदद से आपने देखे अभी प्रोग्राम सच्चाई और आज की सच्चाई में आपको ये दिखाया गया और समझाया गया विशेष करके कि रई एंड फूर्तैख ब्लास्टिंग दरअसल है क्या, सरकार ने क्यों ऐसा फैसला ली है और सरकार ने जो विचार की है देश की जनता की भलाई में वो क्यों ऐसा किया गया है तो और कैसे क्या सब कुछ होगा ये अमजद अब्दुल जी आज की सच्चाई में आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं और मुझे आशा बस यही है कि आपने देखे सुने और समझने की कोशिश किए होंगे। आज की सच्चाई बस यहाँ समाप्त होता है। सुनने और देखने के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे। हर एक को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी तरह आपने देखे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।